तैयारी है ना ये परी नहीं अमृता नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं ऐसा हर किसने करूंगी क्यों नहीं नन्नी सी तो बच्ची है इसकी प्राण शक्ति लेने में मैं ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हैं। बड़ी बहन होने के नाते आज से हम आपका ख्याल रखेंगे आप पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे अगर परी से हमने सिर्फ वादा किया होता तो हम इसे तोड़ भी सकते थे लेकिन परी के प्रति हमारे प्यार के बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता कैसे कभी कभी मैं भी बेवकूफी कर बैठता हूं क्या जरूरत थी अमृता की भावनाओं के साथ खेलने की उसकी भावनाओं की शक्ति ने न केवल चंद्रमुक्ता का असर खत्म कर दिया बल्कि चंद्रमुक्ता ने मुझे भी तकलीफ पहुंचाई अगर तुम्हारा यही फैसला है कि तुम परी की प्राण शक्ति नहीं लोगी तो मेरी भी जिद है कि तुम्हें परी की ही प्राण शक्ति लेने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा क्योंकि हारना तो मेरी आदत ही नहीं अंबालिका जी कमाल हो गया इतनी लंबी लाइन तो किसी राशन की दुकान पर नहीं लगती इतनी प्रसिद्ध हो चुकी हैं आप कमाल हो गया अंबालिका जी कमाल हो गया अमृता आ गई क्या बाप रे बाप ये नागिन के बारे में सोचते सोचते एक दिन आप खुद ब खुद नागिन बन जाएंगी अरे चुप बेवकूफ हम नागिन के बारे में नहीं सोच रहे हम तो उन करोड़ों के बारे में सोच रहे जो अब हमें डूबते नजर आ रहे हैं बाबू उसके बारे में क्यों सोचती हैं जो आपको मिलने वाला नहीं उसके बारे में सोचिए जो आपको मिल सकता है मतलब मतलब कि बाहर लंबी लाइन लगी हुई है इन लोगों से 100-100 रुपए लेकर ना करोड़ बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी बूढ़ी हो जाऊंगी दांत गिर जाएंगे दांत गिरने के बाद अखरोट मिले तो फायदा क्या तो दांत गिरने से पहले जो ये मूंगफली के दाने मिले हैं कम से कम इनको तो चबा लो बाबू एक काम करो हमारी फीस ना 3 गुना बढ़ा दो 100 का 300 कर दो अरे जो बेवकूफ 100 दे सकता है वो तो 300 भी दे सकता है ना कमाल है अंबालिका जी क्या शैतानी खोपड़ी है आपकी अब बातें बनाना बंद करो बाहर जाओ लोगों को लेकर आओ और हाँ फीस के बारे में पहले बता देना समझे हरिओम हरिओम पर रोज 100 लोग आए तो 300 के हिसाब से हो गए हैं हफ्ते में 30,000 रुपए मतलब महीने के 9 लाख रुपए और साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे ही पैसे क्या है इतना लंबा मुंह लटका के क्यों आए हो बचाई क्या है इतने भी बेवकूफ वो लोग नहीं थे जितना आप सोचती हो अरे क्या हुआ जमीन तक मुंह लटकाए क्यों खड़े हो मतलब 3 गुना फीस सुनकर सबके सब भाग गए हमें पता है कि हम बहुत अकलमंद हैं हमेशा से जानते थे हम ये सारे लोगों को भगा दिया इसमें कौन सी अकलमंदी की बात है अरे बेवकूफ कभी दूसरे तरीके से भी सोचने की कोशिश करो बाबू लक्ष्मी का वाहन कौन है उल्लू तो लक्ष्मी सबसे ज्यादा मेहरबान किस पे होती है उल्लू पे इसीलिए तो तुम जैसे लोगों की लॉटरी खुलती है और संभाल के जाना और वक्त से आ जाना ऐसा हमारा बहुत मन कर रहा है हम परी को भी साथ ले जाएं तो ले जाइए ना हाँ हम भी साथ में चलेंगे हम परी को संभाल लेंगे ठीक है वैसे भी इतनी दूर जाना बार बार कहाँ होता है इसी बहाने बच्चों को भी आशीर्वाद मिल जाएगा चलिए बेटा जल्दी से तैयार हो जाइए चलिए चलिए चलिए
क्या कह रही हैं सरोज दीदी आप? आप तो जानती हैं, देवगढ़ पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। आपका चढ़ पाना ही मुश्किल होगा, तो फिर आप बच्चे कैसे संभालेंगे? पर हमें जाना है। अमृता, आपके मामा सर सही कह रहे हैं, आप थक जाएंगे। इससे अच्छा है हम लोग घर में रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। बच्चों की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वैसे भी बुआ सा तो है, आप लोग जाइए वरना लौटते लौटते तक अंधेरा हो जाएगा। लाइए, परी को मैं संभाल लेता हूँ। नहीं, परी हमारे साथ रहेगी, हम इसे किसी को भी नहीं देंगे। बहुत प्यार करती है अमृता परी से, हमें पूरा यकीन है कि पूरे दिन भर में हाथ नहीं लगाने देगी हमें। आप लोग चलिए, आपको देर हो रही है। आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे परी? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। हमारा गिफ्ट तो सबसे अच्छा है। नहीं, हमारी गिफ्ट तुम दोनों से अच्छी है। रहने दो, तुम्हारे गिफ्ट तो सबसे बेकार है, हमारे गिफ्ट अच्छा है। क्यों भैया, है ना? देखो। अच्छा, तुम्हारा गिफ्ट सबसे अच्छा है। अर्जुन, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो आप लोग? कनक ने हमारा गिफ्ट तोड़ दिया काकी साहब। इनकी गिफ्ट अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमारी अच्छी गिफ्ट तोड़ दी। नहीं मासा, हमने तो उनका गिफ्ट तोड़ा ही नहीं, हमें तो उसके हाथ भी नहीं लगा, अपने आप ही टूट गया। ये झूठी है काकी साहब। रोते नहीं है आप, तो बड़े हो ना, रोते नहीं है। हम आप दोनों के लिए नए खिलौने ले आएंगे। परी, तुम सचमुच कितनी प्यारी हो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। विक्रम और सरोज के लौटने से पहले मुझे अमृता को परी की प्राण शक्ति लेने के लिए तैयार करना होगा। अमृता, अमृता दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अमृता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम परी को मुझसे बचा लोगी, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो अमृता। दरवाजा खोलो। परी। अमृता, दरवाजा खोलो। अमृता,
आजाद खोलो। क्या हुआ मोहन? देखिए ना बुआ साहब, अमृता अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रही। परी भी अंदर ही है। क्या अमृता, आप ठीक तो हो ना बेटा? दरवाजा खोल दो बेटा। अमृता बेटा आप ठीक तो हो? परी कहाँ है? ठीक है परी। मेरे साथ आओ अमृता। मेरी आंखों में देखो अमृता, भूल जाओ कि तुम्हारा इस घर के लोगों से कोई रिश्ता है, भूल जाओ कि तुम इस घर के लोगों से प्यार करती हो। ये इंसान है और तुम एक इच्छाधारी नागिन, वो नागिन जिसके माता पिता को इन्हीं लोगों ने, इन्हीं इंसानों ने मारा था। तुम्हें उन दुष्टों को उनके गुनाहों की सजा देनी होगी। इन इंसानों से तुम्हें अपना प्रतिशोध लेना है, जिसकी शुरुआत तुम परी की प्राण शक्ति लेकर करोगी। अमृता बेटा, वो परी अपने कमरे में अकेली है, हम उनके लिए दूध गर्म करने जा रहे हैं, आप थोड़ी देर उनके पास बैठ जाइए जाके। बुआ साहब, आप तो रोज ये काम करती हैं, आज परी की देखभाल हम मामा भांजी कर लेंगे, ठीक है? फिर मैं परी के पास जाती हूँ। अच्छा अमृता। चलिए अमृता, हमें जाकर परी के लिए दूध तैयार करना है। लीजिए, दूध तैयार हो गया। ये तो परी बिटिया है, इसको भूखू लगी है। दीदी अभी तक दूध लेके नहीं आई। अब बता जाओ, ये दूध जाकर परी को पिला दो और हासिल कर लो उसकी प्राण शक्ति। अमृता कहाँ हो बेटा, कितनी देर लगा दी? अरे बाप रे, परी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। अरे अरे अरे, इतना रोना। हेलो, हाँ सरोज बेटा, हाँ परी ठीक है बेटा,
बस अभी दूध पिलाने ही वाली थी, उसके बाद सुला दूंगी। परी को प्राण शक्ति मिलते ही तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। तुमने तो देखा है मणि को, छुआ है उसे, कैसा महसूस होता है अमृता? मणि को छूकर बहुत शक्ति महसूस होती है, वो शंकर जी का आशीर्वाद है। अमावस की काली रोशनी में मणि को रखने से मणि की शक्ति बढ़ जाती है। मणि बहुत ही पवित्र है, अगर किसी ने किसी की हत्या की तो वो मणि को कभी नहीं छू सकता। इसका मतलब अगर तुमने प्राण शक्ति हासिल कर ली तो तुम नागमणि को कभी नहीं छू पाओगी? नहीं। जाओ, जाकर बुआ को रोको। मणि को वो जहरीला दूध नहीं पीने देना। जाओ, जाओ मेरे घर, जाओ। नाराज है ना कि हमें देर कैसे हो गई? इसमें नाराज होने की क्या बात, अगली बार हम दोनों देवगढ़ चलेंगे, हमें भी दर्शन मिल जाएंगे। देवगढ़ के शंभू महाराज की बड़ी महत्ता है। हम देखते हैं। क्या हुआ भाभी साहब? सरोज साथ में चलने का वक्त आ चुका है।